सो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिन्स, ठीक है, ये हम लोग मिसलेनियस में पढ़ते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई में, ये भी ग्राम पॉजिटिव है और बैसिलाई है, ठीक है। दूसरा हम इसको मेनली पढ़ते हैं एज अ फूड बॉर्न पैथोजन, ठीक है, तो फूड से बेसिकली अराइज होता है फूड बॉर्न पैथोजन, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली किन को अफेक्ट करता है, वो इफेक्ट करता है नियोनेट्स को, ठीक है, बच्चों को, ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन को, जहाँ नियोनेट्स आ गए वहाँ पर प्रेगनेंट वुमेन आ जाती हैं अपने आप ही। और अगर इन दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं तो एल्डरली, ठीक है, एल्डरली को तो हर बीमारी होने वाली है, तो एल्डरली को, ठीक है। और ये जाएगी कैसे, फूड के थ्रू जाएंगी, ठीक है। और अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में होती हैं तो ये अबॉर्शन हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन तो हमें पता है, फूड बॉर्न है तो फूड फूड मदर ने, सपोज कॉन्टामिनेटेड फूड मदर ने कंज्यूम किया तो उससे जो फीटस होगा मदर से फीटस में चले जाएगा, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं इसको, इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को। और ये करता क्या है लिस्टेरिया, ये करता है लिस्टेरियोसिस, ठीक है, लिस्टेरियोसिस कॉज करेगा। और ये स्टोर्ड फूड में स्पेशली बहुत ज़्यादा, जैसे कोई चीज़ है वो पैकेज्ड है, पैकेज्ड मीट है कुछ है, तो उसमें ये पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है ये फेगोसाइट है और ये हमारा बैक्टीरिया है, तो फेगोसाइट के सामने ये जाएगा और फेगोसाइट इसको फेगोसाइटोस कर लेगा, मतलब कि मतलब दोनों, ये भी खुश हो गया और ये भी खुश हो गया, मतलब इसको लगा कि इसने अपना काम कर लिया और ये जो है इसको जगह मिल गई अंदर जाने की। अब ये जब अंदर जाता है तो मेनली क्या होता है कि ये एज अ फेगोसोम अंदर गया और लाइजोसोम आके इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन ये जो हमारा बैक्टीरिया है ना ये बहुत चंट है, ये क्या करेगा, ये जो है अंदर जाकर लाइसिस कर देगा। और ये कैसे करेगा, बाय अ लिस्टेरियो, लिस्टेरिया है ना तो लिस्टेरियो लाइसिन, ये उसके उसका ये जो भी टॉक्सिन है लिस्टेरियो लाइसिन करके, ठीक है, इससे ये क्या करेगा, लाइसिस कर देगा फेगोसोम की। तो फिर ऑब्वियसली इसने जाकर इसी को मार दिया, ख़त्म हो गई ये बात। और फिर उसके बाद जब ये बाहर निकलेगा फिर ये यही काम करेगा, तो ऐसे डायरेक्ट सेल टू सेल स्प्रेड होता रहेगा इसका, ठीक है। देन और अगर हम नियोनेट्स में देखें तो ये दो टाइप की मतलब एक होता है कि जैसे ही बर्थ हुआ उसके 5 दिनों के अंदर अंदर ही अगर उसे हो जाए तो हम बोल देते हैं कि अर्ली ऑनसेट वाली डिजीज़ है, और अगर 5 दिनों के बाद हो, 5-6 दिनों के बाद हो तो हम उसे बोलते हैं कि लेट ऑनसेट की डिज़ीज़ है, यही इसी केस में, ठीक है। और अगर तो अर्ली ऑनसेट है कि मतलब पहले 5 दिनों में उसके बर्थ के हमें मिल गई, तो हमें ये होता है कि ये मदर से आई है, मतलब मदर में जेनेटल फ्लोरा में थी ये चीज़, ठीक है, मैटरनल जेनेटल फ्लोरा से एक्वायर्ड हुई है। लेकिन अगर लेट है तो उसका मतलब है कि उसने खुद ही एक्वायर की है इन्वायरमेंट से, कि उसने कुछ गलत खा लिया या कुछ पी लिया, और खाएगा तो क्या ही बेचारा, इन्वायरमेंट से उसने वो एक्वायर की है। इस केस में जो है मोस्ट कॉमनली इसमें क्या होता है, सेप्सिस हो जाती है अर्ली वाले केस में, और लेट वाले केस में मेनिनजाइटिस नियोनेटल की, ऑब्वियसली क्योंकि नियोनेटल ही आई है अर्ली और वो, ठीक है। देन अगर हम लोग लैब डायग्नोसिस की बात करें दोबारा, तो लैब डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे स्पेसिमेन को। सबसे पहले हमने क्या किया, स्पेसिमेन को कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो स्पेसिमेन CSF हो सकता है, ब्लड हो सकता है, एमनियोटिक फ्लूइड हो सकता है। देन हम करेंगे उसकी ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग में हमें ग्राम पॉजिटिव मिलेंगे और कोकोबैसिलाई करके शेप होगी। और इसकी जो मोर्टेलिटी है मेन, वो आती है टम्बलिंग मोर्टेलिटी। कौन सी मोर्टेलिटी आती है, टम्बलिंग मोर्टेलिटी, जो कि होती है 25 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन अगर हम वही मोर्टेलिटी अगर हम चेक करें तो वो हो जाता, अगर 37 डिग्री सेल्सियस पे है उस पर ये नॉन मोटाइल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसकी मोर्टेलिटी को ओवरऑल हम बोलते हैं कि डिफरेंशियल है। डिफरेंशियल मतलब कि टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ये वेरी कर जाता है, ठीक है। 25 मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे टम्बलिंग मोर्टेलिटी शो करेगा, लेकिन 37 पे आके नॉन मोटाइल हो जाएगा, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसके जो जो मोर्टेलिटी आती है वो किससे आती है, वो फ्लैजेला से आती है। तो इसके जो फ्लैजेला है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके जो फ्लैजेला है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। उसके बाद अगर हम इसका कल्चर, थर्ड स्टेप है कि कल्चर करें, कल्चर हम ब्लड अगार पे करें तो ये बीटा हिमोलिसिस शो करेगा, ठीक है। बीटा हिमोलिसिस मतलब कंप्लीट हिमोलिसिस शो कर देगा।
ऑल राइट, देन इफ यू टॉक अबाउट बायोकेमिकल, कैटलिस्ट पॉजिटिव, कैम टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है. और अगर हम CSF को एग्जामिन करें, ठीक है, तो फिर हमें जो प्रेशर है उसका बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, ठीक है. और प्रोटीन और लिम्फोसाइट का जो काउंट है वो इंक्रीज हुआ होगा CSF में. तो उसके बाद अगर ट्रीटमेंट देखें, तो ट्रीटमेंट में वो हमारे पास हमारी एक एम्पीसिलिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस वो रहती है. कौन सी? एम्पीसिलिन, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस एम्पीसिलिन, ठीक है. और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम लोग अच्छे से कुक करें फूड को, वेजिटेबल्स को वॉश करें, फ्रेश खाएं, और यूटेंसिल्स वगैरह को भी करें, और अनपैश्चराइज्ड डेयरी प्रोडक्ट्स को ना यूज़ करें. और मैंने जो आपको ये बताया था पैथोजेनेसिस में कि ये फेगोसाइट में एंटर करता है, तो ये इंट्रासेलुलर सर्वाइवल है, ठीक है. लेकिन उसकी जो एंट्री है वो कहाँ से होती है? वो होती है इंटेस्टाइन में, ठीक है. अगर हमने ऑब्वियसली हमने फूड खाया तो इंटेस्टाइन तक जाएगा, तो फिर वहीं पे होगा. तो इंटेस्टाइनल एपिथीलियम में उसकी एंट्री होगी, ठीक है. और वो कैसे होगी? एक प्रोटीन होता है दैट इज़ इंटरनलिन, इंटरनलिन ये होस्ट के सरफेस प्रोटीन, होस्ट का सरफेस प्रोटीन है दैट इज़ इंटरनलिन. उससे उसके थ्रू मीडिएट होगी हमारी एंट्री थ्रू इंटेस्टाइनल एपिथीलियम, ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट लिस्टेरिया मोनोसाइटोजन. And if you have any queries, you can ask. And if you like the video, please subscribe. Thank you.